कुछ दिन पहले ही आपने केदारनाथ धाम में ओम की एक विशाल आकृति को भी देखा होगा या फिर उसके बारे में सुना होगा। वो उसकी स्थापना का ट्रायल था। इसके ठीक 8 दिन बाद अब ओम की वो विशेष आकृति स्थापित भी कर दी गई है। मंत्रोच्चारों के बीच केदारनाथ धाम में ओम की ये विशेष आकृति स्थापित कर दी गई। अब केदारनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भगवान भोले शंकर के प्रिय शब्द ओम के यहां विशाल रूप में दर्शन होंगे। ओम की ये खास आकृति केदारनाथ मंदिर से करीब 200 मीटर आगे गोल प्लाजा में स्थापित की गई है। क्रेन मशीन के जरिए इस 6 टन की कांसा यानी ब्रॉन्ज से बनी आकृति स्थापित हुई है। स्थापित करने से पहले पूरे विधि विधान से इस ओम आकृति की पूजा अर्चना की गई। केदारनाथ धाम में जारी पुनर्निर्माण कार्य के तहत इस भारी वजनदार ओम आकृति की स्थापना की गई। कुछ दिन पहले ही गुजरात के वडोदरा के कलाकारों के बनाए इस विशेष ओम आकृति की स्थापना का ट्रायल किया गया था। सफल ट्रायल के बाद मंगलवार को इसे स्थापित कर दिया गया। अब इस ओम आकृति में मात्र लाइटिंग का काम बाकी है। लाइटिंग होने के बाद ये आकृति जगमगाएगी, खासकर रात में ये लोगों को अपनी तरफ खूब आकर्षित करेगी। मौजूदा समय में चारधाम की यात्रा जारी है। हर दिन बड़ी संख्या में यात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं और अब उन्हें ओम की इस विशाल आकृति को देखने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। केदारनाथ धाम से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।